ओके सो अस्सलाम वालेकुम इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूब्रकलोसिस की या टीबी बी इन्फेक्शन की जो कि हमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का पहला टॉपिक है हमने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करनी है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं जो कि रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होती हैं बाय द वे ऑफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड होती हैं सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट इट तो ट्यूबलोसिस में यही कहा जाता है कि इट्स इफेक्श डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम माइकोबैक्टेरियम टोबेक्लोसिस प्रीमरली तो इफेक्ट करता है लंग्स को उसकी जो मोस्टली मोर्बिलिटी एंड मोटेलिटी है वो भी लंग्स से रिलेटेड डिजीज की वजह से ही है लेकिन ये लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी नॉमा फॉर्मेशन करता है लाइक like इंटेस्टाइनस में बोन्स में जॉइंट्स में लिम्फ नोड्स में स्किन में एंड इन अदर टिश्यूज ऑफ बॉडी यहाँ तक कि नेजल सेप्टम के uh, कार्टिलेज को भी इफेक्ट करता है एनी वे एपिडी हम पहले भी देखते हैं कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखती देखनी होती किसी भी डिजीज़ की बाय टाइम बाय प्लेस बाय पर्सन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा कॉमन होती है डिजीज़ ह्यूमन सीजन में बाय प्लेस देखा जाए तो तो ये वहाँ पे होगी जहाँ पे ओवर क्राउडिंग लाइक पुअर हाउसिंग पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन लार्ज फैमिलीज बेसिकली पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस या पोवर्टी वाले केसेस में ठीक है तो ये बाय प्लेस उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीज़ की अच्छा बाय पर्सनों अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो एज uh, का तो है सच कोई इतना uh, इसमें रोल नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ एज में ज़्यादा पा पाई जाती है लाइक बच्चों में और बड़ों में क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना तो स्ट्रॉ तो नहीं होता सेकंडली सेक्स की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लेकिन औरतों में जल्दी होती है मर्दों में देर से होती है न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो पोर न्यूट्रेशन वाले लोग हैं जिनकी मेल न्यूट्रिशन है वो पूरी डिस्पोज होते हैं टू टी बी ड्यू टू पोर इ्यून सिस्टम एजुकेशन भी ज़्यादा कॉमन इलिटरेट में क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ भी थोड़ा अनहाइजीनिक होता है तो उसका स्प्रेड ज्यादा होता है सोशल इकोनॉमिक इकोमिकटी जहाँ लो होगा वहाँ पॉवर्टी होगी वहाँ पोर हाउसिंग होगी ओवरक्राउड होगी और डिजीज़ ज्यादा फैलेगी क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है और उसका पीरियड ऑफ ट्रांसमिसबिलिटी और पीरियड ऑफ कम्युनिकबिलिटी वो भी बहुत ज्यादा है जब तक पेशेंट ट्रीट नहीं हो जाएगा वो ही डिजीज, डिजीज स्प्रेड करता रहेगा बाकी पॉपुलेशन में ठीक है अच्छा आ, अगर अदर डिजीज की बात की जाए तो इसकी एसोसिएशन है एच एड्स के साथ जिन लोगों को एच एड्स होते हैं उनमें टिबोलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इम्यूनिटी देखा जाए तो नेचुरल इन्फेक्शन भी कन्फर करती है इम्यूनिटी के अलावा अगर बी वैक्सीनेशन कराई जाएगी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ या विद इन सिक्स वीक्स आफ्टर बर्थ तो उससे भी इम्यूनिटी मिल जाएगी पेशेंट को ठीक है और जो वैक्सीनेशन होती है इसमें हम आ, एक वेरिएंट यूज़ करते हैं बोवाइन टीबी का अब हमें पता है कि जो टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है ट्यूबरकुलोसिस ये इंसानों को भी इफेक्ट करता है ये कैटल को भी इफेक्ट करता है तो जो उसका बोवाइन स्टेन है जो कैटल को इफेक्ट करता है हम वो यूज़ करते हैं फॉर कन्फरिंग द इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन इन द फॉर्म ऑफ बी ठीक है तो उससे फिर काफी हद तक पेशेंट सिक्योर हो जाता है लेकिन वो एट बर्थ लगानी होती है या फिर हम देखाते हैं विद इन सिक्स वीक्स आफ्टर बर्थ और उसके हम डिटेल्स आगे देखते हैं जो डिटर्मेंट्स हैं डी के प्राइमरी डिटर्मेंट हैं तो उसका ऑर्गेजम ही आ जाता है उसका एजेंट आ जाता है दैट एटलीस्ट माइकोबाइटक्लोसिस जिसकी एक ह्यूमन वैरायटी एक बोईन वैरायटी है और भी है लेकिन वो लेस कॉमन है अच्छा सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में आ जाते हैं पेशेंट रिलेटेड कैरेटिस्टिक्स लाइक लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है लैक ऑफ एजुकेशन है और फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक ह्यूमन इन्वायरमेंट है वार्म इन्वायरमेंट ठीक है अगर देख जाए फ्रीक्वेंसी तो ये हाईली कॉमन डिजीज़ है वर्ल्ड में भी पाकिस्तान इसमें छठे इस नंबर पर है इसकी अकरेंस प्रेवलेंस के हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है लोगों का और ये डिजीज़ ज़्यादा फैलती है ज़्यादा पेशेंट्स अफेक्ट होते हैं और इसकी दवाइयाँ महंगी है जो स्पेशली जो इसके रेजिस्टेंट केसेस है उसकी दवाइयाँ महंगी हैं तो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और डिजीज ज़्यादा प्रेवलेंट होती है जो सोर्स ऑफ इफेक्शन है वो क्या है कैसे कैसे ये डिजीज़ लग सकती है लोगों को तो एक तो जो स्पोटम एंड एक्सक्रीटा है पेशेंट के विच हुआ सफरिंग फ्राम टी वो स्प्रेड करते हैं वो है रिस्पॉसिबल फॉर स्प्रेडिंग दिस डिजीज़ स्पोटम एंड स्क्रीटा ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्राम टी बी सेकंडली जो उसकी वाइन स्ट्रेन है वो मिल्क ऑफ काओ सफरिंग फ्रॉम टिब्लोसिस वहां से भी लग सकता है थर्ड टिबिक्लोस मटीरियल फॉर्म स्लॉटेड टिबोक्लोस एनिमल्स उनका जो uh, जो स्लॉटेड एनिमल्स उनका ब्लड उनके मीट uh, खाने से ठीक है उस तरह से फैल सकता है लेबॉटरीज में अगर इसका कोई स्ट्रेंथ पाया जाता है तो वहाँ से भी स्प्रेड कर सकता है ओटीज में या सिंपली हॉस्पिटल की सेटिंग में वहां पर भी फैल सकता है ठीक है तो स्पूटम एक्सक्रीटा मिल्क स्लॉटेड एनिमल से लेबॉटरीज से और ऑपरेशन थिएटर से तो ये उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है पीरियड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के जब तक पेशेंट uh, ट्रीट नहीं हो जाएगा जब तक वो अफेक्टेड रहेगा तब तक तो वो फैलाता रहेगा टीवी अच्छा तो Hmm. जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ये है कि इस क्योंकि हमने इसको इंक्लूड किया है इन द हेडिंग ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होता है एंड विद इन अ रेंज ऑफ थर्टी सेंटीमीटर हम इसके ड्रॉपलेट्स को देखते हैं कि ये अफेक्ट करते हैं और ये कॉज करा सकते हैं इन्फेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल को विध ट्यूबरकुलोसिस ठीक है एक तो वेट ड्रॉपलेट्स हम कहते हैं जिसको हम ड्रॉपलेट इफेक्शन भी कहते हैं जो यूजल ड्रॉपलेट इफेक्शन होते इसमें वेट ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके ड्राई ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जिसमें होता ही है कि जो स्पूटम के पार्ट होते हैं वो डस्ट के साथ स्टिक करके उस तरह से भी ट्यूबोक्लोसिस को स्प्रेड कर सकते हैं इसके अलावा फूड बोन भी होता है लाइक अगर इन्फेक्टेड पर्सन फूड को हैंडल कर लें उससे भी हो सकता है मतलब उसने छींक दिया खाने के ऊपर और वो खाना खा लें तो ट्यूबोक्लोसिस हो सकता है फोमाइट बोन उसने कोई टॉवल यूज़ किया उसने किसी आ, आ, बेंच पर छींक दिया और बेंच पर अगर आप हाथ रखेंगे एंड यू ईट विद दैट

अच्छा पोर्टल फेंट्री डेफिनेटली अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो या तो ओरल रूट से आ सकता है या फिर नेजल रूट से आ सकता है ठीक है सो बाय इन्हेसन नोज से थ्रोट से और बाय इजेक्शन ठीक है माउथ से अगर बाय इन्हीशन होगा तो ज़्यादा अफेक्ट करेगा लंग्स को भी लाए हुए अगर बाय इंजेक्शन होगा तो ज़्यादा टॉन्स को और हमारे पास एलिमेंट्री ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा इंक्यूबेशन पीरियड इसका थ्री टू सिक्स वीक्स होता है डेढ़ महीने तक सिम्टम्स अपेयर होने लग जाते हैं कंट्रोल के लिए हम ये देखते हैं कि जो आइडियल एक हम कहते हैं हमने स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क सेट किया ये है कि लेस देन वन परसेंट टू पॉजिटिव चिल्ड्रन होने चाहिए बिटवीन जीरो टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज अगर हम जीरो टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज के बच्चों को स्क्रीन करें ठीक है विद ट्यूबोकोजन टेस्ट तो ओनली लेस देन वन पर्सन शुड भी पॉजिटिव फॉर इट लेकिन ये आइडियल केस है जो कि जो कि पॉसिबल नहीं है ठीक है ये बात की जाती है डायग्नोसिस हम करते हैं इसका स्पोटा माइक्रोस्कोपी पे हमें एसिड फास्ट वैसेला मिलते हैं यही उसका डायग्नोसिस भी है अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट है तो वो यही है स्पोटा माइक्रोस्कोपी और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है विद कफ एंड फीवर फीवर एनऑन ओ रिजन का कफ है फॉर मोर देन थ्री वीक्स तो हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए एज अ पर्सन हु कैन बी सफरिंग फ्रॉम ट्यूबोकोलोसिस अच्छा इसके अलावा एम डी आर टीबी है मल्टी ड्रग रिजिस्टेंट टीबी जिसमें हम देखते हैं कि जो यूज ड्रग्स होती हैं टीबी के लिए जिसमें आइसोनिया टेली थे सिनाथाम्ब्योल है पर यह सब उस पर इफेक्ट नहीं करती पेशेंट पर और टी बी जस्ट गेट्स एग्रवेटेड मोर एंड मोर तो उसको भी क्लासिफाई uh, करते हैं एज क्यों हो सकता है तो ये कि अगर इनको प्रिस्क्रिप्शन है लाइक टीबी है ही नहीं उसको वैसे हम प्रिस्क्राइब कर बाद में टीबी होगा गए तो रिजिस्टेंस डेवेलप हो चुकी होती है रेगुलर स्लाइड ड्रग्स की ठीक है ड्यू टू इकनॉमिक इश्यूज़ नॉन कम्पलाई है ट्रीटमेंट की पेशेंट दवाई ले ही नहीं रहा और लैक ऑफ सुपरविजन एन फोअप है कि वो हॉस्पिटल uh, ही नहीं आ रहा और वो अपने जो टेस्ट हैं वो रिपीट नहीं करवा रहा तो ये रीज़नस हैं इस वजह से एम डी आर डेवलप होता है और एम डी इज़ हार्ड टू ट्रीट डेफिनेटली और एटलीस्ट दो साल लग जाते हैं ट्रीट करने में और जिसकी ड्रग्स हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू यू ड्रग्स तो हम टी वी खिल देते हैं जिसमें है है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि एम डी टी बी में हम कौन से ड्रग्स देंगे ठीक है फिर फ्लोरोक्ना लोन्स है उसमें सिपरफ ओ फ्लोक्सिन ठीक है इसके अलावा वह अमानुकोसाइड्स ठीक है स्टेप्टोमाइसिन और इसके अलावा हमारे पास आते हैं एजिथ्रोमाइसिन कलोरथ्रोमाइसिन अमीकासनिन कैनइसिन ये इंपॉर्टेंट है फ्लोरोनिलोन्स हैं इसका कैप्रोमाइसिन साक्लोसिलन तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स में आपने याद रखनी है पूछे जाते हैं जैमे कैमडी या टीबी के, के लिए हम कौन से ड्रग्स देते हैं सो so, रिवाइज कर लेते हैं वी हैव uh, सिप्रोफ्लोक्सोसिन ओफ्लोक्सोसिन ठीक है एंड वी हैव एजिथ्रोमाइसिन कलोरिथ्रोमाइसिन अमिकासिन कैनामाइसिन कैपरियो मारते हैं और इसमें हमने तीन ड्रग्स का एक, एक, एक से जीवन बना देना होता है पेशेंट को जिनसे वो सेंसिटिव भी हो ठीक है फिर हम इसकी जो करते हैं स्क्रीनिंग स्क्रीन टेस्ट में इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो कि एंट्रोडर्मल स्किन टेस्ट है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं ये जो ट्यूब तुबर्कुल, है विच इज डराइव फ्राम दी यू कैन से डेड स्टेन ऑफ ट्यूबरकल बेसिला ऑर्गेनिजम और उसको हम जब इंजेक्ट करते हैं स्किन में तो वहाँ पर एक एथीमा रेडनेस डेवलप हो जाती है इंड्यूरेशन सी डेवलप हो जाती है पूरा एक यू कैन से वेल सकम्सक्राइब सी वेल uh, बाउंड्री well वाला एक हम एरिया मिल जाता है जिसको हम कहते हैं डेवलप हो गई है तो उसकी बेस हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल को uh, टी है या नहीं है लेकिन ये कोई कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है इसके बाद हमें ये बस हाई जैसे रि हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्क्रीन करने के लिए टेस्ट हमने बनाया हुआ है और अगर ये पॉजिटिव है तो उसके बाद हम कन्फर्मेटिव टेस्ट में स्पोटो माइक्रोस्कोपी कराते हैं उसके हमें हम कन्फर्म होता है कि टी है या नहीं ठीक है सो जब पॉजिटिव ट्यूबोकिन टेस्ट आएगा तो हम फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उसको प्रेजेंट में या पास्ट में माइक्रोबोक्लोस से इन्फेक्शन हुई थी ठीक है और ये ट्यूबोक्न टेस्ट जो स्क्रीन टेस्ट है उसके तीन टाइप्स हैं हीफ टेस्ट जो कि क्विक है टेस्ट है इजी टेस्ट है और लेकिन ये इतना स्पेसिफिक नहीं है फॉर ट्यूबिकलोसिस मॉन्टोक्स टेस्ट है जो कि जिसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा है फॉर ट्यूबोक्लोसिस और ये प्रिसाइस मेजरमेंट भी कर लेता है उसकी अच्छा तो ट्यूबरकुलिन जो इट एक जो केमिकल है जो कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ ट्यूबोकुल टेस्ट वो है क्या उसमें दो तरह के हैं ट्यूबोक्न एक तो है ओल्ड ट्यूबोकुलिन और एक है न्यू ट्यूबोकिल न्यू टिबोकुलिन में भी बेसिकली है प्योरीफाइड प्रोटीन डेरीवेटिव पीपीटी हम आपने अक्सर सुना भी होगा अब आज के लिए यही यूज हो रहे हैं पीपीटी ठीक है प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ये डेरीवेटिव कैसे होता है हम इसमें प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन्स ऑफ द इन ट्यकुल सिंथेटिक मीडियम और ये थोड़ा प्योर प्रिपरेशन है इसमें जो इसकी अमाउंट होती है वो हमने वन टी यूनिट यूज़ करनी होती है वन टी यूनिट इज ईक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एम एल ऑफ ओल्टोकलिन एंड जीरो पॉइंट जीरो 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 टू मिलीग्राम ऑफ न्यू टूबोक्लिन या फिर पी पी डी प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव ठीक है और उसमें जब पी पी डी फॉर्म यूज़ करते उसमें आर टी ट्वेंटी थ्री है आर टी ट्वेंटी थ्री हम यूज़ कर रहे होते हैं अच्छा इसी में फिर मोन्टोक्स टेस्ट है मोन्टोक्स टेस्टोक्न ही यूज़ होता है या फिर जो ओल्ट व्यवकलिन है वो यूज़ होता है या पी पी डी यूज रहा होता है इट इज़ कैरीड आउट बाई इंजेक्टिंग इंट्रा ऑन द फ्लेक्सर सर्फिस

और हमें रिज़ल्ट हम रीड करते हैं दो से तीन दिन में फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स में हमें रिज़ल्ट पता चल जाता है उसका ठीक है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होती है ये होती है कि जो ट्यूबोकुलन रिएक्शन होता है डेफ़िनेटली हम एक डेड स्ट्रेन डाल रहे हैं डेड प्रोटीन्स डाल रहे हैं एक, एक एक्जोजनस ऑर्गेनिज्म की तो उससे हमें क्या क्या, -क्या पॉसिबली रिज़ल्ट मिल सकते हैं सो so, ट्यूबोकुलन रिएक्शन होता है जिसमें अर्थीमा रेडनेस होती है इंडोरेशन होती है की बाउंड्री से बन जाती है अर्थीमा तो नॉन स्पेसिफ़िक होता है लेकिन जो इंडोरेशन है वो हम यह करते हैं अगर वो जो बाउंड्री है वो टेन मिलीमीटर ज़्यादा है मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव था एंड द पर्सन माइटर अगर वो लेस दिन सिक्स मिलीमीटर mm है तो मतलब नॉन स्पेसिफिक का टेस्ट हो जाता है ठीक है अच्छा और अगर सिक्स टू नाइन मिलीमीटर दरियां में है तो फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा अगर सिक्स में कम है तो वो नेगेटिव टेस्ट होता है अगर सिक्स टू नाइन मिल मीटर दरिया में तो तब हम कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक डाउटफुल है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है या हो सकता है कि वो आ, किसी और मतलब माइक्रोबैक्टीरियम टिबिक्लोसिस से ना किसी आ, आ, ए टिपिकल माइकोबैक्टेरियम से वो अफेक्टेड हो पेशेंट उसको टिबिकलोसिस ना हो ठीक है अच्छा आ, जब अगर मोन्टोज टेस्ट फॉर्जन पॉजिटिव आ गया कि टेन मिलीमीटर mm ज़्यादा है इंटोरेशन तो वो क्या चीज़ें डिनोट कर सकती है एक तो ये डिनोट कर सकती है कि द पेशेंट माइट भी सफरिंग फ्रॉम द और माइट मार्ट इन्फेक्टेड बाय द क्ट्रीन ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है कि वाकई इन्फेक्ट हो और हो सकता है कि वो इफेक्टेड हो लेकिन अभी तक उसमें ट्यूबरकुलोसिस डेवलप ना हुआ हो ठीक है जस्ट वो एज अ कैरियर हो अच्छा और अगर चिल्ड्रेन लेसन टू ऑफ तो एज में हमें पॉजिटिव मोन्टो मिला तो बेशक उनमें सिम्टम्स डेवलप हुए हो ना हुए हो, हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव है और उसमें है इन्फेक्शन और जिनमें बी सी वैक्सीनेशन हुई होती है उनमें भी मोटोस टेस्ट पॉजिटिव आता है ये भी हमने बहुत माइंड में रखनी है अच्छा क्योंकि वो भी अगेन हम उसमें भी ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्ट दैन नेगेटिव स्पोर्टेंट सॉरी अगर नेगेटिव मॉटफ़ वो क्या डोनेट कर सकता है तो ये डिनोट कर सकता है कि ही इज नॉट सॉफिक टिब्योग्लोसिस सेकंडली ये डिनोट कर सकता है कि वो उसको टिबोलोसिस तो है लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है कि वो कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करा सके ठीक है थर्ड ये कि डर्मल हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है और सॉरी डर्मल हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है इन केस ऑफ सम मेलेगनेंसी लाइक हॉजकिन डिजीज तो उसमें हमें रिएक्शन तो ने, नेगेटिव मिलेगा लेकिन उसमें टिबिगलोसिस हो सकता है ठीक है एंड समटाइम जो पेशेंट एंटी एंटी टिबोल ट्रीटमेंट ले रहा होता है लाइक आयस एंड एसट उसमें भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है ठीक है तो यह हमें बातें मायने रखने की जरूरी नहीं कि अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो वाकई पेशेंट मतलब नेगेटिव है इसीलिए ये कोई बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है नहीं इस अलावा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो पाकिस्तान में शुरू हुआ था दो हज़ार एक में शुरू हुआ था वर्ल्ड में ये ग्लोबली स्टार्ट हुआ था नाइन्टीन नाइनटी थ्री में मतलब तो रोल से यही है कि हम मास सर्वेस करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें और डायग्नोज कर सकते टीबी केसेस को और जो 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 न्यूज़ केसेज आइडेंटिफाई हों उनको हम ट्रीट करें और बीसी जी वैक्सीनेशन कराएं बच्चों में ताकि डिजीज हो ही ना पेशेंट्स उससे बच जाएँ डिजीज़ से बच जाएँ हेल्थ एजुकेशन करें मैसेज की रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव मैयर्स जिसमें हाइजीन है ओवर क्राउडिंग से बचना है गुड अच्छी हाउसिंग हो चाहिए वगैरह वगैरह और ट्रेनिंग की जाए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की टू बेटर टू टैकल टी बी न बेटर वे इसके तीन एम्स होते हैं हम इन एम्स को आगे डिस्कस भी करेंगे कि वी नीड टू रिड्यूस द रिजर्व वर्ड इन्फेक्शन जब हम एक्टिव केसज को ट्रीट करते जाएंगे तो रेजर्वर्ड तो खत्म हो जाएंगे ना सेकंडली टू इम्प्रूव द रिजिस्टेंस जब हम लोगों की वैक्सीनेशन कर देंगे तो रिजिस्टेंस में इम्प्रूव हो जाएगी थर्ड मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ तो स्प्रेड जब हम कम्युनिकबिलिटी कम कर देंगे ठीक है विल मेक श्योर उसके उनकी आइसोलेशन हुई हो विल मेक श्योर के आ, उनकी आ, उसके जो आस पास लोग, लोग हैं उनकी गेमो कीमो प्रोफलेक्स प्रोफ्लेक्सिस हुई हो तो डेफिनेटली उन पर टी वी डिवेल्प नहीं होगा तो ये तीन उसके एम्स हैं उन्होंने माइंड रखना है जो पहला उसका एम है इसको ना हम अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बातों को डिस्कस करते हैं यहाँ तक इतना काफ़ी है